हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अपन बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो यहाँ पर दे रखा है कि मानव के जो भ्रूण होता है उसके हृदय में कुछ 6 वोल्व होते हैं। 6 कौन कौन से होते हैं ये अपन को पता होना चाहिए। तो ट्राइकस्पिड वोल्व, बाइकस्पिड वोल्व, पल्मोनरी, सेमी लूनर वोल्व, ओर्टिक सेमी लूनर, थिबेसियन वोल्व और यूस्टेशियन वोल्व। ठीक है, तो 6 तरह के वोल्व या कपाट जो है वो मानव के भ्रूण जो है उसके हृदय के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब भ्रूणी हृदय जो होता है, यानी भ्रूणी अवस्था में हृदय जो होता है वो अंतरालिंदे पर जो है, अंतर और आलिंद इन दोनों का जो पर होता है उस पर एक छोटी ओपनिंग, जैसे आलिंद और ये जो आलिंद होता है वो नीले होता है। ठीक है, ये होता है आलिंद और ये जो होता है नील, इन दोनों के बीच में है ना, जब भ्रूणी अवस्था में इन दोनों के बीच में जो ओपनिंग होती है वहाँ पर एक छोटी सी ओपनिंग भी प्रेजेंट होती है जिसको अपन बोलते हैं फोरामन ओवन। ये क्या करती है, जन्म के पश्चात फोर्स ओर्टा में रूपांतरित हो जाती है। ठीक है, इसी तरह से भ्रूणी अवस्था के अंदर एक छोटी नलिनुमा जो संरचना होती है ना, भ्रूणी अवस्था के अंदर एक छोटी नलिनुमा संरचना डक्टस ओर्टियोरस प्रेजेंट होती है जो कि फोपसी धमनी और एओर्टा इन दोनों को बांटती है ना। धमनी यानी कि जो पल्मोनरी आर्टरी होती है उसको और एओर्टा इन दोनों को डिवाइड करती है। कौन डिवाइड करता है, डक्टस ओर्टियोरस डिवाइड करता है ना। तो जन्म के पश्चात यह जो संरचना होती है वो लिगामेंटम ओर्टियोसम में रूपांतरित हो जाती है। यहाँ पर दे रखा है गिरा, ये जो है लिगामेंटम ओर्टियोसम जो है ये वाला जो पार्ट है जो धमनी को है ना और ओर्टिक इन दोनों पार्टों को डिवाइड करता है ना, लिगामेंटम ओर्टियोसम बोलती है अपन इसको। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ पेपिलरी पेशियाँ प्रेजेंट होती हैं जो हमने बताया था, जो नीले वाले पार्ट में प्रेजेंट होती हैं है ना, लेफ्ट साइड में। ये एवी वॉल्स के कस्प से कार्डा टेंडिनी द्वारा जुड़ी हुई होती है। ठीक है, ये जो एवी वॉल्स होता है, यहाँ पर एक कार्डा टेंडिनी इन टेंडिनी के द्वारा पेपिलरी मसल्स जो है वो जुड़ी हुई होती है। तो इनके इससे जुड़ी हुई होती है, इसीलिए ही क्या करते हैं, ये जो कार्डा टेंडिनी होती है वो कोलिजन के बने हुए होते हैं और ये कपाट को विपरीत दिशा में ओपन होने से रोकते हैं ना। यहाँ पर कोरोनरी सर्कुलेशन के बारे में दे रखा है कि जो हृदय होता है उसको रक्त की आपूर्ति किसके द्वारा होती है। तो सामान्यतः है ना, ये एक अलग से टॉपिक है। तो हृदय की जो आपूर्ति होती है, जो ऑक्सीजन ब्लड होता है वो कोरोनरी धमनी या आर्टरीज के द्वारा दिया जाता है। जो अनाक्षीकृत रक्त होता है वो कोरोनरी शिराओं यानी कि कोरोनरी वेंस उसके द्वारा कोरोनरी साइनस में गिरता है और साइनस से फिर दाएं आलिंद में है ना, राइट एट्रियम में, और यहाँ से फिर जो है वो लंग्स के अंदर है ना भेजा जाता है। ठीक है, अनाक्षीकृत जो होता है उसको। और यहाँ पर दे रखा है दाएं और बाई, ये धमनियाँ, दो धमनियाँ होती है दाएँ और बाई और दो आदरी होती है। तो ये महाधमनी चाप के स्थल से निकलती है और दोनों दाएँ तथा बाएँ कोरोनरी धमनियाँ पुनः छोटी छोटी शाखाओं में विभाजित होकर हृदय के विभिन्न भागों में रक्त लेकर आती है। ठीक है, और जो भी रक्त हृदय तक पहुंचाया जाता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है जो लंग्स के द्वारा आता है वो, और फिर जो भी अशुद्ध रक्त होता है वो वापस जो है वो दाएँ आलिंद जो है उसके द्वारा लंग्स तक पहुँचाया जाता है। ठीक है, इस तरह से जो है कोरोनरी सर्कुलेशन यानी कि हृदय होता है उसको रक्त की आपूर्ति दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे हार्ट बीट के बारे में।